खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। खनन माफियाओं का आतंक जारी, जिम्मेदार सो रहे चैन की नींद। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला बाराबंकी जनपद के थाना सफदरगंज व तहसील नवाबगंज के अंतर्गत ग्राम रहरामऊ मेवा सिकंदरपुर में बड़े पैमाने पर जिम्मेदार कर्मचारियों की मिली भगत से खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं, क्योंकि थाना सफदरगंज व मसौली थाना रेंज में रातों रात खनन माफिया मौखिक परमिशन के तौर पर दिन रात रातों रात अवैध खनन करते हैं। सूत्रों के अनुसार बता दें कि रात से लेकर सुबह होने तक खनन माफिया अवैध खनन करते हैं। खनन माफिया इतनी सटीक तरीके और होशियारी से खनन करते हैं कि अगर थाना सफदरगंज रेंज से खबर प्रकाशित की जाए तो खनन माफिया थाना मसौली अंतर्गत खनन करने लगते हैं, और अगर थाना मसौली अंतर्गत की खबर प्रकाशित की जाए तो थाना सफदरगंज अंतर्गत खनन करने लगते हैं। सूत्रों के अनुसार बता दें कि अवैध खनन की सूचना अगर उच्च अधिकारियों तक जाती है तो पता नहीं कैसे खनन माफियाओं की खनन बंद हो जाती है। आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, यह रात के 10:30 बजे की तस्वीरें हैं, जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली आपको नजर आ रहा है, जिसमें बिना रॉयल्टी के अवैध खनन की जा रही है। रातों रात प्राइवेट तरीके से बिना रॉयल्टी के मिट्टी बेची जा रही है। अब देखना यह है कि खबर प्रसारित होने के बाद इस प्रकरण पर क्या कार्रवाई की जाती है।